नमस्कार दोस्तों, राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक नया अपडेट आज ही का अपडेट है, 19 मार्च 2019 का, जिसके अंतर्गत ये जानकारी हमारे साथ कार्तिक जी व्यास के द्वारा शेयर की गई है। उनका कमेंट भी हमें मिले हैं। उन्होंने बताया कि इससे अपडेट जुड़ा हुआ अपडेट आज पत्रिका में आया है और इससे संबंधित जानकारी आप सभी विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ। और इसी तरह से आपको भी राजस्थान की भर्तियों से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट आपको मिलता है तो उसके बारे में नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, और जिससे सभी राजस्थान के जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के पास हमारा ये मैसेज पहुंच सके। ये जानकारी दी गई है कि राजस्थान में 7 कार्मिक विभाग ने राजस्थान की 7 भर्तियों की अभ्यर्थना RPSC को भेज दी गई है। उसी से जुड़ा हुआ पूरा अपडेट आपको देते हैं। और इससे पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी कि राजस्थान में 7 भर्तियों की वैकेंसी आने वाली थी RPSC में, लेकिन कुछ समय पहले RPSC ने वापस उन अभ्यर्थनाओं को विभागों को लौटा दिया है। उसका रीज़न पर भी हम बात करते हैं, क्योंकि पदों का वर्गीकरण सही नहीं होने की वजह से RPSC ने उनको वापस लौटा दिया है। लेकिन आज का अपडेट आपको देने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप राजस्थान कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान GK मैथ्स सभी के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, क्लासेस के वीडियो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, आपको अनअकैडमी का लिंक मिलेगा। वहां से आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ आप अगर लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो रेफरल कोड में राजस्थान GK स्टोर कोड का यूज़ करें, जिससे आपको 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी दी गई है, वहां से आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज की जो न्यूज़ निकल कर आती है, RPSC और अभ्यर्थियों को भर्तियों का इंतज़ार, आज ही की न्यूज़ है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की ये न्यूज़ है। अब आगे देखिए न्यूज़ में क्या जानकारी दी गई है। प्रदेश को हज़ारों अभ्यर्थियों सहित राजस्थान लोक सेवा आयोग को नई भर्तियों का इंतज़ार है। सरकार और कार्मिक विभाग से अभ्यर्थनाएं मिलने के बाद ही आयोग विज्ञापन जारी करेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग को RS एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा सहित कॉलेज लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता, कृषि कारागार, कनिष्ठ लेखाकार, अन्य सभी भर्ती परीक्षाएं करानी है। कार्मिक विभाग संबंधित विभाग और सरकार से अभ्यर्थना पदों का वर्गीकरण मिलने के बाद आयोग भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन और तिथियां जारी करेगा। अब यहाँ आगे आप देखिए न्यूज़ में क्या जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप देखिए, कार्मिक विभाग ने आयोग को 7 विभागों की अभ्यर्थनाएं भेजी हैं। आयोग को सबसे प्रतिष्ठित RS एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा 2019 सहित अन्य अभ्यर्थनाओं का भी इंतजार है। तो यहाँ 7 अभ्यर्थनाएँ RPSC को भेजी गई है, जिनमें कॉलेज लेक्चरर की भी वैकेंसी आने वाली है, जूनियर अकाउंटेंट भी है, और इसी के साथ और भी कई भर्तियां हैं। उनकी लिस्ट का अलग से एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, उसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो ये अभ्यर्थनाएं मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी चल रहा है मार्च, इससे पहले भी ये अभ्यर्थनाएं जनवरी में RPSC को भेजी गई थी, लेकिन RPSC ने बाद में उन अभ्यर्थनाओं को वापस विभागों को लौटा दिया। ऐसा करने का रीज़न यही था कि पदों का वर्गीकरण सही नहीं था, क्योंकि आप सभी जानते हैं सवर्णों को 10% आरक्षण सरकार ने दे दिया है। अब उसके अनुसार पदों का वर्गीकरण होगा, तो सरकारी कार्यों को लेकर कई तरह की परेशानी थी, जिसकी वजह से RPSC ने उन भर्ती की अभ्यर्थनाओं को वापस लौटा दिया है। अब भर्तियां आचार संहिता लग चुकी हैं, अब भर्तियों के विज्ञापन चुनाव के बाद ही जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन 7 भर्तियों के अभ्यर्थना कार्मिक विभाग ने RPSC को भेज दी है। आगे आप देखिए, बीतने को है मार्च, मार्च का दूसरा पखवाड़ा चल रहा है, लेकिन आयोग को सरकार की और कार्मिक विभाग से नई अभ्यर्थनाएं नहीं मिली हैं। हालांकि आयोग अभी साल 2018 में मिली करीब 18,000 अभ्यर्थनाओं की भर्ती परीक्षाएं कराने में व्यस्त हैं, और अभी कई भर्ती परीक्षाओं के टाइम टेबल भी RPSC ने जारी किए हैं, उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं। आयोग इन भर्तियों में है व्यस्त, कई एग्ज़ाम हैं जो RPSC को लेने हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ, सांख्यिकी अधिकारी हुआ, और भी कई भर्तियां हैं जिनके एग्ज़ाम अब इस वर्ष अक्टूबर नवंबर तक एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो ये भर्तियों से जुड़ा हुआ अपडेट था। और इसी तरह से आगे के अपडेट की जानकारी आप रेगुलर प्राप्त करना चाहते हैं और नए व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे भर्तियों से जुड़े हुए अपडेट, राजस्थान की भर्तियों से जुड़े हुए अपडेट की जानकारी आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन के साथ आपको मिल सके। क्योंकि यहाँ हम राजस्थान की जुड़ी हुई प्रत्येक भर्ती के बारे में ही आपको जानकारी देते हैं,
यहाँ चैनल को भी आप देख सकते हैं, और आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।